Assalamu alaikum, welcome back to my channel. So today we are going to talk about the main things you should know before coming to Australia or either you're in Australia. Agar aap Australia mein naye hain to aapko ye cheeze madde nazar rakhni hai, in cheezon pe focus karna, you should know before you coming here. So let's get started. Number one pe hai ki don't drink and drive. Keep in mind, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, अगर आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से, नेपाल से हैं, किसी भी कंट्री से हैं, don't drink and drive. अल्कोहल पीने के बाद गाड़ी ड्राइव नहीं करनी. Keep in mind, अगर आप ड्राइव करते पकड़े गए, आपको 6 महीने की जेल हो सकती है, आप अपना लाइसेंस लूज कर सकते हैं, प्लस आपको नियरली $2,000 to $3,000, डिपेंड ऑन द क्वान्टिटी कि आपने कितनी अल्कोहल पी रखी है, उसके मुताबिक आपको फाइन होगा. और अगर आपने एक बार ऑस्ट्रेलिया में लाइसेंस खो दिया तो आप ये बात रहे अपने माइंड में रख लें, अपने पल्ले बांध लें कि आपके पास अगर ऑस्ट्रेलिया में लाइसेंस नहीं है तो आप ऐसे हैं कि जैसे एक आदमी उसकी टांगे नहीं हैं. अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, यू विल बी फाइन. नेक्स्ट है, डू नॉट ओवर स्पीड. ओवर स्पीडिंग आपने नहीं करनी. ये भी चीज़ आप जो है वो अपने पल्ले बांध लें कि आपने ओवर स्पीडिंग नहीं करनी. अगर आपने देखा है कि एक स्पीडिंग जोन है वो 60 का है, 70 का, 80 का है, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी. ये पाकिस्तान या इंडिया नहीं है या नेपाल नहीं है कि जहाँ पे पुलिस आपको देख नहीं रही, जहाँ पे स्पीड कैमराज नहीं. यहाँ पे स्पीड कैमराज भी हैं, यहाँ पे पुलिस भी बैठी है जो कि 24/7 लोगों को देख रही है, जो कि अपनी गाड़ियाँ साइड पे, रोड के साइड पे पार्क करके आपको स्पीड गन के साथ आपको देख रहे हैं, आपको मॉनिटर कर रहे हैं. जहाँ पे आप पकड़े गए ओवर स्पीडिंग करते हैं, स्टेड अवे, आप अपना लाइसेंस लूज कर देंगे. अगर लेट्स सपोज आपकी 60 का जोन है और आप 80-90 पे जा रहे हैं, लाइसेंस गया, प्लस 6 मंथ्स की जेल भी देंगे, अब इन्होंने नया रूल दिया है, प्लस आपको डिमेरिट्स देंगे और अपना लाइसेंस 3 महीने के लिए खो देंगे, विच इज़ रियली वेरी डेंजरस. अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया में अपना लाइसेंस नहीं है या आपका लाइसेंस सस्पेंड हो चुका है, ये बहुत बड़ा इश्यू होता है. क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे अपने दोस्तों के देखा है जिनके लाइसेंस सस्पेंड हो गए, उनके बाद वो बेरोजगार हो गए, लोगों पे डिपेंडेंट हो गए कि यार मुझे वहाँ पे छोड़ा हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ती है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा जाना इरेलीवेंट है, मतलब आपको 2-2 घंटे पहले घर से निकलना पड़ता है. और अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो आपको 25 से 30 मिनट लगेंगे, आप अपनी जॉब पर पहुँच जाएंगे. लेकिन अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 2 आवर्स पहले निकलना पड़ेगा. सो कीप इन माइंड, डोंट ओवर स्पीडिंग. जितना स्पीडिंग जोन है उस पर चलें, उस पर लेट्स वो 60 है तो मेरी रिकमेंड है 55 पे चलें, 58 पे चलें, लेफ्ट लाइन पे रख के लोअर जो लाइन में उसमें रख के गाड़ी चलाएं. डोंट ओवर स्पीड. ये सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद. हम सोचते हैं कि हम पाकिस्तान में, इंडिया में, और अपना लाइसेंस जो है वो चला जाता है, यहाँ फाइन इतना ज़्यादा हो जाता है, वो बर्डन पहले से आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ी, आपके अपने अखराजात, प्लस आपको ये जितना भी फाइन पड़ेगा ये आपके ऊपर एक बर्डन आ जाएगा, आप इसको टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, ये स्ट्रेस देगा आपको. सो डोंट ओवर स्पीड. नेक्स्ट, जब आप ऑस्ट्रेलिया में, आपने अपनी हैबिट बना लेनी है कि आप जब ऑस्ट्रेलिया में आए तो आपने 2 वर्ड्स लाजमी सीखने हैं. एक जो है वो थैंक यू का, दूसरा है सॉरी का. थैंक यू का तब जब आपको कोई चीज़ दे रहा है, जब आप किसी से कोई चीज़ ले रहे हैं, आप जा रहे हैं, आपको किसी ने कोई हेल्प की, ऑलवेज से थैंक यू. कीप इन माइंड, ये इनका नॉर्मल वर्ड है. और सॉरी का तब करना है जब आप किसी का रास्ता काट दिया या कोई भी आपसे मिस्टेक होगी, कीप इन माइंड से सॉरी, ताकि अगले बंदे को ये फील ना हो कि इसने जानबूझ के किया. उसकी रीज़न ये है कि ये लोग जो है हो रहे हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा हाइजीनिक, बहुत ज़्यादा टॉलरेटेड, हर चीज़ को बड़े मेंटेन तरीके से लेके जाते हैं. अगर कोई चीज़ इनसे गलत हो जाए तो वो ऑन द स्पॉट आपको सॉरी कह देते हैं, बट इट्स मीन कि यार ये बंदे की ये नीयत नहीं थी. सो लेट्स सपोज अगर आपसे कोई गलती होगी और आप उनको सॉरी कह रहे हैं तो वो उस चीज़ को कोई नहीं करेंगे, आप उस चीज़ को ख़त्म कर देंगे. तो 2 वर्ड्स लाजमी याद रख लें, थैंक यू, सॉरी. कोई भी आपकी हेल्प कर रहा है, कोई भी कुछ कर रहा है, आपने किसी से कोई रास्ता मांगा, आपको उसने आपको रास्ता बताया, ऑलवेज से थैंक यू. अगर आप जा रहे हैं, गलती से किसी का रास्ता कट ले, गलती से किसी के साथ टच हो गए, ऑलवेज से सॉरी. ये जो 2 लफ्ज़ हैं ये ऑस्ट्रेलिया में पॉपुलर है, मीन्स कि ये 2 लफ्ज़ के साथ आप पूरी ज़िंदगी गुजार देंगे ऑस्ट्रेलिया में. नेक्स्ट है, डू नॉट स्टे एट पीपल. लोगों को घूरना नहीं है. मुझे पता है कि हम लोग जब ऑस्ट्रेलिया में या किसी ओवरसीज कंट्री में जाते हैं, हमारे लिए नया होता है, हम लोग लोगों को घूरते हैं, देखते हैं कि वाकई में ये गोरे एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं करते. तो हम लोग ये करते हैं, इवन मैंने भी किया हुआ है कि हम लोग गोरों को ना गौर से देखते हैं. डू नॉट डू दैट. लोग इनको स्टेयर नहीं, इनको गौर से नहीं देखना, इनको घूरना नहीं है, ताड़ना नहीं है. ये लोग बुरा मनाते हैं इस चीज़ को. ये अपने काम से काम रखते हैं, ये लोग अपने काम से काम है, ये आपको ये ऐसे नहीं करेंगे, ये आपको तंग नहीं करेंगे. अगर आपके साथ बैठे हैं तो ये अपना काम करेंगे. डू नॉट डू दैट. अगर ये आपके सामने बैठे हैं, आप इनको तंग नहीं करें, इनको स्टे, इनको घूरना नहीं है. ये मेरे साथ भी हो चुका है, क्योंकि ये लोग
एट द एंड आपके ऊपर हैरेसमेंट का केस डाल देते हैं। मेरे साथ ये ऑलरेडी हो चुका है, जब मैं नया नया था मैं गोरों को देखता था दूर से कि यार ये लोग कि एग्जिस्ट करते हैं, मतलब मेरे लिए भी नया नया था। तो एक साथ एक दफ़ा ऐसा हुआ कि गोरा जो है ना वो मुझ पर पड़ गया कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड को क्यों देख रहे हो, वो तो शुक्र है मेरे साथ दोस्त था तो उसने थोड़ा मैनेज कर लिया। डू नॉट डू दैट, आपने आना ताड़ना नहीं है, अपने काम से काम रखना है, हर चीज़ अपने चीज़ के लिए करनी है। ये लोग अगर आपके साथ बैठे भी हैं ये आपको तंग नहीं करेंगे और ना ही आपको ताड़ेंगे, ताड़ना नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप ऑस्ट्रेलिया में आए आपने एक अपनी गाड़ी बाय की है, मस्ट डू इंश्योरेंस। गाड़ी को इंश्योरेंस के बगैर रोड पर मत चलाएं। डजेंट मैटर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल का एक्सपीरियंस है, गाड़ी की कम से कम अगर ज़्यादा आप इंश्योरेंस अफोर्ड नहीं कर सकते, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ज़रूर करवाएं। इंश्योरेंस करवाएं फिर रोड पे लेके चलें। किसी वक्त भी कोई वाकया हो सकता है, आपके पास 1500 की गाड़ी है और आपने एक गाड़ी मार दी है वो एक BMW के अंदर, तो वो आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा और वो देना पड़ेगा। इनकी गाड़ियाँ लाखों डॉलर की होती हैं और ये ऐसा नहीं है कि आपके पाकिस्तान की तरह नहीं है कि आपने गाड़ी मार दी और सॉरी यार वो खराश आ गई। इनकी गाड़ी के ऊपर एक छोटा सा धब्बा भी पड़ गया ना आपकी गाड़ी की वजह से, तो आपको कम से कम $3,000 का टिकट रुकेगा। मेरे साथ हो चुका है, एक बार नहीं कई दफ़ा वो हुआ है। स्टार्टिंग पे तो मुझे पड़ गया, मैंने जेब से पे किया, लेकिन उसके बाद मैंने इंश्योरेंस दी और उसके बाद एक दफ़ा ऐसा क्या हुआ कि मेरी एक दफ़ा इंश्योरेंस ख़त्म हो गई और मैंने इंश्योरेंस पे नहीं किया, तो उस दौरान क्या हुआ ये स्क्रीन पर देख लें। जी हाँ, तो ये हुआ उस दौरान मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और मेरी गाड़ी गई, प्लस जो अगली गाड़ी थी वो भी गई, उसके भी मेरे ऊपर पड़ गए $10,000 वो भी आ गए, मेरी खुद की गाड़ी भी गई क्योंकि मैंने इंश्योरेंस पे नहीं की थी, मैं लेजी हो चुका था तो इंश्योरेंस ने कवर नहीं किया। टू नॉट डू दिस, ये चीज़ मत करें। अगर आपने आए हैं आपके पास एक्सपीरियंस जितना भी है, गाड़ी की इंश्योरेंस मस्ट कराएं, उसके बाद लेके गाड़ी को रोड के ऊपर चढ़ें। अगर खुदा ना खास्ता किसी गाड़ी के साथ आपकी टक्कर हो गई, इनके पास लाखों डॉलर की गाड़ी है, तो वो आपके ऊपर पड़ जाएगा और सारी स्टूडेंट लाइफ आपकी ऐसी जाएगी ना कि आप दोबारा ऑस्ट्रेलिया आने का सोचेंगे नहीं। एक मेरा जानने वाला उसका फ्रेंड वो ऑस्ट्रेलिया छोड़ के चला गया, उसके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन पड़ गया उसने गाड़ी ठोक दी थी। टू नॉट डू दिस, मस्ट डू इंश्योरेंस, कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लाजमी करवाएं। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ये होगा कि अगर आपने गाड़ी एक्सटेंड कर दी है तो आपकी गाड़ी कवर नहीं होगी, लेकिन इंश्योरेंस उस दूसरे बंदे की गाड़ी मस्ट जो है ना वो इंश्योर कर देगा, उसको ठीक कर देगा, लेकिन आपको अपनी जेब से करना पड़ेगा, उसके पैसे थोड़े होते हैं। मस्ट डू थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, उसके बाद गाड़ी को रोड के ऊपर चलाएं। विदाउट इंश्योरेंस कभी नहीं चलाएं, मैं बार बार कहता हूँ, मेरे जितने भी दोस्त हैं सबको कहा है, लेकिन सबको तब पता चला जब एक बार एक्सीडेंट हो गया, फिर उनको अकल आ गई। तो डू नॉट डू दिस, इंश्योरेंस करवाएं फिर गाड़ी चलाएं। नॉट डू एनी शॉप लिफ्टिंग, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, आप किसी सुपर मार्केट में गए हैं, कहीं बड़े वूलवर्थ में, वूलीज में, कहीं पर भी गए हैं और गलती से आपका दिल कर गया यार ये चीज़ उठा के खा लूँ, कोई देख नहीं रहा, इतना बड़ी सुपर मार्केट है तो कोई इतना मसला नहीं है, तो ये चीज़ मत करें। इनके पास CCTV कैमरे हैं जो कि ये 24/7 जो है ये मॉनिटरिंग कर रहे हैं, या अगर CCTV नहीं भी देख रहे तो दूसरे कस्टमर ने आपको देख लिया तो वो जाके उनको बता देगा। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में चाहे $1 की शॉप लिफ्टिंग है, मतलब चोरी, अगर $1 की है चाहे वो $100 की है, तो ये पुलिस को बुला लेंगे। टू नॉट डू दिस, कोई ऐसा वाकया ना करें। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये हो चुका है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ, हो चुका है। उन्होंने मतलब सेम एज इट पाकिस्तान की तरह कि यार कोई नहीं, एक चीज़ मतलब ये पिस्ता पकड़ के खा लिया, कोई चीज़ ड्रिंक पकड़ के पी ली, कोई नहीं देख रहा, कोई मसला नहीं है। डू नॉट डू दैट। शॉप लिफ्टिंग $1 की भी होगी चाहे $10 की भी होगी, ये पुलिस को बुला लेंगे। और अगर पुलिस आ गई तो आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो आपकी हिस्ट्री ख़राब हो जाएगी, और अगर आपकी हिस्ट्री ख़राब हो गई तो आपके लिए यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। आप कोई भी चीज़ करें, घर अप्लाई करें, लोन अप्लाई करें, गाड़ी की इंश्योरेंस लें, तो वो आपकी हिस्ट्री चेक करते हैं। क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री ख़राब हो गई तो आपके लिए ऑस्ट्रेलिया में रहना आसान हो गया। डू नॉट डू दैट, शॉप लिफ्टिंग कभी नहीं करें। सो गाइस, ऑलवेज फॉलो रूल्स। ऑस्ट्रेलिया में रहने के बाद आपकी लाइफ एक रोबोटिक लाइफ हो जाती है, पाकिस्तान इंडिया की लाइफ को फिर आप भूल जाते हैं, फिर आपकी लाइफ एक रोबोट की तरह है। आपने अपनी जॉब करनी है, आपने एक रोबोट की तरह चलना है, तो आपको रूल्स को फॉलो करना है। रोड के ऊपर है, फॉलो द रूल्स। आप सुपरमार्केट के अंदर हैं, फॉलो द रूल्स। कोई मतलब जितनी भी ये मैंने चीज़ें बताई हैं, ये एक्सपीरियंस हो चुकी हैं, ये लोगों के साथ हो चुका है, मेरे साथ हो चुका है, मेरे दोस्तों के साथ हो चुका है, तो ये सब वो चीज़ें हैं जो हो चुकी हैं। इसलिए आपको बताने का मकसद है कि ये आप चीज़ें रिपीट ना करें। एक तो आप अपना नाम ख़राब करें, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कोई भी छोटा दब्बा लग जाए तो सबसे पहले न्यूज़ एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट के नाम पर चलती है, पाकिस्तान इंटरनेशनल स्टूडेंट, इंडिया इंटरनेशनल स्टूडेंट। सॉरी, लास्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप एक ऊबर ड्राइवर हैं यार,
काइंडली काइंडली लोगों को स्टे करना ढूंढना मत, सेक्सुअल हैरेसमेंट ना करें। अगर आप नए नए ऊबर ड्राइवर होते हैं, देखो होता क्या है, जब आप नए नए ऊबर ड्राइवर बनते हैं तो आपके साथ गोरे आके बैठते हैं, आपके साथ ओजी आके बैठेगी, आपके साथ कोई भी नेशनैलिटी की लड़की आपके साथ वाली सीट पर बैठ जाएगी, और ओबियसली आई नो उसने शॉर्ट पहना है, उसने कुछ वैसा वैसा पहना है कि हम लोगों की अट्रैक्शन होती है, या ये मत करें। इतने ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर, लोगों के ऊपर जो है वो हैरेसमेंट के केस हो चुके हैं, 10-10 साल की कैद हो चुकी है, 15-15 साल की कैद, प्लस अपने कंट्री का नाम भी जो है वो ख़राब हो जाता है। जब आप ऑस्ट्रेलिया में आए हैं कुछ सालों के बाद ऊबर चलाएंगे, प्लीज़ डू नॉट डू दैट। हैरेसमेंट यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा ऊपर देखे जाने वाला, और उसके ऊपर सज़ा बहुत ज़्यादा होती है। हैरेसमेंट मतलब आप लड़की को टच नहीं कर सकते, आप उसको को घूर नहीं सकते, आप उसको पास देख नहीं सकते, आपने अपना काम करना, खुशी से उसके साथ हेलो हाय किया और उसको जाने दिया। प्लीज़ यार, अपने कंट्री के लोगों ने छोटी छोटी बातों पे हैरेसमेंट के केस कर लिए हैं, क्योंकि ये लोग मौका ढूंढते हैं, इन लोगों को मौका चाहिए, इन लोगों को घर पे बैठ के पैसा खाने का मौका चाहिए, तो वो मुर्गा कौन बनता है हम जैसे ओवरसीज पाकिस्तानी इंडियन जो भी हैं डिफरेंट। प्लीज़ डू नॉट डू दैट। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, आप अपने ध्यान से बी प्रोफेशनल रह के गाड़ी चलाएं, बी प्रोफेशनल, प्रोफेशनलिज्म लाएं, कोई भी जॉब करें प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए उसके अंदर, कि आप जैसा काम कोई और बंदा नहीं कर सकता। That's it.